मेरे जस्ट पीछे है एक दूसरा घराट, ये भी अभी चल रहा है। मैं अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा इसको कि एक्टिव कंडीशन में है, और जो ऊपर वाला दिखाया वो अभी बंद है, और इससे ऊपर वाला काफ़ी पुराना है और वो बंद हो चुका है, चलता नहीं है। लेकिन ये दो जो घराट हैं, ये और ये वाला ऊपर वाला, ये एक्टिव कंडीशन में है और ये अभी चल रहे हैं। मैं अंदर जाके आपको दिखाना चाहूँगा घराट के अंदर कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से चलता है। हेलो गाइस, आज मैं हूँ विलेज बोरगांव में, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, और आज हम जा रहे हैं घटगाड़ की तरफ। घट मीन्स पंचक्की, गाड़ मीन्स नदी लोकल लैंग्वेज में। तो चलिए देखते हैं आगे। मेरे जस्ट पीछे आप देख रहे हैं, ये है किलमोड़ी का पेड़। इसकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, बहुत ही खास है ये, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। इसकी जड़ें जो हैं यूज़ होती हैं ख़ास तौर पे मेडिसिन के लिए, और इस तरीके के पेड़ आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। देखिए जस्ट मेरे पीछे की तरफ, कांटेदार होते हैं थोड़ा, इनके पत्ते कांटेदार होते हैं और थोड़ा ध्यान से इनको देख के चलना पड़ता है, कांटे चुप सकते हैं। यहाँ पे रास्ता काफ़ी नैरो है, काफ़ी आप देख रहे जैसे बहुत ही पतला रास्ता है, और नीचे की तरफ गहरी खाइयाँ भी हैं, तो आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे ऐसी जगहों पे। और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे साथ में है राहुल, और आज हम साथ में रहेंगे, ये मुझे गाइड करेंगे आगे का रास्ता, क्योंकि ये लोकल विलेज के रहने वाले हैं, इनको यहाँ का ज़्यादा आइडिया है मेरे से। हाय गाइस, आज हम हैं बोरगांव के नौले पर। उत्तराखंड में इस तरीके के नौले आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही पुराने होते हैं। अंदर देखिए आप, इसके अंदर की तरफ देखिए, सारे पत्थरों से बना हुआ है, और यहाँ पे इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं, और ये पानी बहुत साफ है पीने के लिए।
ये है तिल के बीज, इसमें से निकलेंगे दाने अंदर से, लूज में दिखाएंगे आपको। ये है सूख चुके हैं ये तिल के बीज, ये देखिए आप तिल के दाने छोटे छोटे। और मेरे जस्ट पीछे की तरफ है, ये है हिसालू जो कि चेरी की तरह होता है और येलो कलर का होता है। अभी इसमें लगे नहीं है हिसालू, काफ़ी फेमस हैं ये उत्तराखंड में, ख़ास तौर पे आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे जंगली एरिया में। मेरे जस्ट पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये है मेहल का पेड़। देखिए आप, इसमें मेहल लगे हुए हैं और कुछ पक भी चुके हैं। मैं तोड़ के दिखाऊंगा आपको कुछ मेहल। ये देखिए, ये है पका हुआ मेहल। ये देखिए, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। एक पक चुका है अच्छे से, देखिए आप अंदर से पूरा इसमें रस भरा हुआ है ब्लैक कलर का, और इसे आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है, लाजवाब खाने में। अंदर से इसका देखिए इस तरीके का पेस्ट निकलेगा। हम जा रहे हैं घराट की तरफ, नीचे की तरफ। देखिए आप जस्ट नीचे, और चलिए मेरे जस्ट पीछे आप देख रहे हैं, ये हैं उत्तराखंड के ट्रेडिशनल हाउसेस जो कि मिट्टी और पत्थर से बने होते हैं। ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, ख़ास तौर पे गर्मी में, ये ठंडे रहते हैं और ठंड के मौसम में गर्म रहते हैं। मेरे जस्ट पीछे आप देखिए, ये है ट्रेडिशनल हाउस, और जो कि अभी काफ़ी पुराना हो चुका है और इसकी दीवारें और खिड़कियां ज़्यादातर टूट चुकी हैं। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं विलेज खटगाड़, सामने की तरफ देखिए आप, बहुत ही सुंदर ट्रेडिशनल हाउसेस है, नीचे नदी है।
यहाँ पे देखिए आप, पीने का पानी है, नेचुरल रिसोर्स है वाटर का, और ये काफ़ी साफ पानी है, साफ पी सकते हैं। मेरे जस्ट पीछे आप देखिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं। यहाँ पर देखिए चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। मेरे जस्ट पीछे है ये गेहूँ, गेहूँ के पौधे हैं छोटे से। मैं आपको यहाँ के रास्ते दिखाना चाहूँगा, काफ़ी पतले रास्ते हैं, नैरो हैं, और ये है कैनाल के रास्ते हम सीधे आगे की तरफ जाएंगे। तो चलिए हम जस्ट पहुँचने वाले हैं घराट पे। मेरे सामने देखिए आप, यहाँ पे दो तीन घराट दिख रहे हैं। अभी हमको क्रॉस करके सामने की तरफ जाना है, और तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पर रास्ते काफ़ी नैरो हैं, तो आपको काफ़ी संभल के चलना होता है, यहाँ पे गिरने का खतरा होता है। यहाँ पे आप देखिए मेरे जस्ट पीछे ये पुराना घाट है काफ़ी, और ये बंद पड़ चुका है, अभी एक्टिव नहीं है ये। मैं अंदर की तरफ दिखाना चाहूँगा आपको, तो काफ़ी पुराना लग रहा है ये, और काफ़ी टाइम से बंद है ये घाट। घराट को चलाने के लिए ऊपर से पानी को छोड़ा गया, देखिए आप, ये मेन जो है कैनाल है, और इसका पानी फोर्स से नीचे की तरफ जाएगा टरबाइन की तरफ, और देखिए यहाँ से जाता है पानी, देखिए यहाँ से कैनाल से पानी आ रहा है, और यहाँ से ये मेन टरबाइन को चालू करेगा। अगर हम इसको उठा दें तो ये पानी नीचे की तरफ जाएगा, इसको उठा के ये सीधे नीचे की तरफ जाएगा और घर को चालू कर देगा। तो ये बंद है, ये देखिए ये लकड़ी का जाल बनाया गया है यहाँ पे। ये जाल इसलिए बनाया होता है ताकि इसमें पत्तियाँ और जो भी मोटी मोटी चीज़ें कट जाए और नीचे टरबाइन को ब्लॉक हो जाए। मेरे जस्ट पीछे है एक दूसरा घराट, ये भी अभी चल रहा है। मैं अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा इसको कि एक्टिव कंडीशन में है, और जो ऊपर वाला दिखा है वो अभी बंद है, और इससे ऊपर वाला काफ़ी पुराना है और वो बंद हो चुका है, चलता नहीं है अब। लेकिन ये दो जो घराट हैं, ये और ये वाला ऊपर वाला, ये एक्टिव कंडीशन में है और ये अभी चल रहे हैं। मैं अंदर जाके आपको दिखाना चाहूँगा घराट के अंदर कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से चलता है ये देखिए।
चलिए अंदर चलते हैं। जस्ट नीचे लगी है टरबाइन और टरबाइन इसको पानी के सहारे इसको घुमाता है और यहाँ जो है इसके ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा आपको नज़दीक से, यहाँ पर इसके अंदर जो है गेहूँ डाले जाते हैं और जो कि धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ गिरते हैं और यहाँ से निकलते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं और ये घूमता है और धीरे धीरे आटा जो है यहाँ से यहाँ गिरता है, आटा पूरा इस तरफ इस फ्लोर पर आटा गिरेगा और उसे बाद में स्टोर किया जाता है ये इसको बोला जाता है पूंचा यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, इससे हम इसको स्टोर करते हैं जगह पे आटे को और उसके बाद इसे भरा जाता है बैग के अंदर। ये थी इसकी पूरी प्रोसेस और मैं दिखाना चाहूँगा इसकी हाइट जो है बहुत कम रखी जाती है। देखिए ये काफ़ी पुराना घराट है और ट्रेडिशनल है, लकड़ियाँ इसमें लगी हैं, देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी मजबूत लकड़ियाँ लगी हुई हैं इसमें, ऊपर की तरफ पत्थर हैं, यहाँ पे देखिए पूरे पत्थर लगे हुए हैं, ये पत्थर हैं सारे इसमें और यहाँ पे आग जलाने के लिए भी इन्होंने कुछ लकड़ियाँ स्टोर की गई हैं यहाँ पे। चलिए बने
अभी हम हैं विलेज कटगाड़ में, और मेरे जस्ट पीछे की तरफ देखिए आप, यहाँ पे पुराने ट्रेडिशनल हाउसेज हैं।